पिछली बार हमने लेनोवो का लॉक रिव्यू किया था जो आता था RTX 4060 के साथ, वो भी 90,000 के अंदर। और कमेंट से मुझे पता चला कि काफी लोगों ने उसे 77,000 में परचेस किया। और आज भी ले आया हूँ लेनोवो का लॉक, वो भी 60,000 के अंदर। आगे देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है ये अपने बेंचमार्क में और इसके गेम टेस्ट में। गेम टेस्ट भी आ रहा है और इसके राइवल जीपीयू से भी इसे कंपेयर करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको 60,000 के अंदर कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो अनबॉक्सिंग इसकी जाने दो, ऑलरेडी से हम बाहर निकाल चुके हैं। 135 वाट का चार्जर आता है, एक पावर केबल आती है और ये लैपटॉप, सबसे पहले बात करूँ अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो टॉप लीड इसका पूरा पॉलीकार्बोनेट का आता है और टॉप लीड फ्लेक्स भी एकदम मिनिमल है। और ये पूरा लैपटॉप ग्रे कलर का आता है और लेनोवो की ब्रांडिंग और ऊपर आपको लॉक की भी ब्रांडिंग देखने मिलती है। और ये नया 2024 वाला वेरियंट है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ और इसका अंदर का मामला भी पूरा पॉलीकार्बोनेट का है और देखने में भी काफी प्रीमियम लगता है और यहाँ आपको लेनोवो की ब्रांडिंग। और अंदर अगर इसके कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का कीबोर्ड आपको इसमें देखने मिलता है, वो भी नंपैड इंक्लूडेड। बोर्ड की फील अच्छी है, काफी अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस इसमें मिलता है और टाइप करते वक्त ये थोड़ी थोड़ी लीजन जैसी फील देता है। और इसमें आपको डेडिकेटेड को पायलट की भी की मिलती है, मतलब एक ही बटन से आप डायरेक्ट अरे कहना क्या चाहते हो, एआई की दुनिया में चले जाओ। और ये व्हाइट कलर के बैकलेट के साथ आता है, इसमें आपको आरजीबी का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके जो ऊपर वाले वेरिएंट है उसमें आपको आरजीबी मिलेगी। FN प्लस स्पेस बार दबा के आप इसके आरजीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। और कीबोर्ड फ्लैश की भी बात करूँ तो कीबोर्ड फ्लैश भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी तो काफी बढ़िया है। इंच की स्टेबल है, सिंगल एंड से लैपटॉप आसानी से ओपन हो जाता है और स्क्रीन वॉबल भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल इतना तो रहेगा। और पीछे की तरफ आपको बड़े बड़े एयरवेंट्स देखने मिलते हैं और अभी गेम टेस्ट में देखते हैं कि इसके एयरवेंट्स कितना काम करते हैं, कितना इसे ठंडा रखते हैं। सही लैपटॉप सही जगह से अगर परचेस करना है तो आप लैपटॉप मॉल विजिट कर सकते हो जो लोकेटेड है डेक्कन पुणे में। यहाँ आपको सारे कैटेगरी के लैपटॉप मिलेंगे, गेमिंग, थिन एंड लाइट, स्लिम, मतलब जो भी जॉनरा में आप हो उस हिसाब से आपको सारे लैपटॉप यहाँ पे मिल जाएंगे। ये फुल फ्लैश गेमिंग पीसी भी बिल्ड करके देते हैं। खरीदने के बाद सर्विस की भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि ये अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाकी मैं इनके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में स्टोर का लोकेशन भी दे दूं। आगे अगर इसके डिस्प्ले की तरफ आऊं तो 15.6 इंच का एंटी ग्लेयर FHD 144Hz का डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। एंटी ग्लेयर मतलब पूरा मैट पैनल आता है और स्क्रीन पर ग्लेयर कम से कम दिखता है। और इसमें आपको 300 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, मतलब 60,000 के अंदर 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलना मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये लैपटॉप अडैप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मतलब जब गेमिंग करोगे तो अच्छे खासे ज्यादा FPS 144Hz के निकल के देगा और जब आप ब्राउजिंग करोगे नॉर्मल YouTube वीडियो वगैरह देखोगे तो ये 60Hz पर शिफ्ट हो जाएगा। और साथ में इसमें आपको G-Sync का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब गेम खेलते वक्त जो टेयरिंग का इश्यू है वो नहीं होगा। और इसमें आपको मग स्विच का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब Lenovo Vantage के सॉफ्टवेयर में जाकर आप इसे हाइब्रिड मोड IGPU और DGPU मोड पर स्विच कर सकते हो आसानी। डिस्प्ले काफी बढ़िया है इसकी, 7000 के अंदर इसमें आपको 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है। और अगर आपका कलर से काम ज्यादा है, फोटोशॉप, कलर ग्रेडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ये अच्छा खासा आपको 100% कलर्स निकल के देगा। अगर आपको इसमें कंटेंट कंजम्पशन करना हो या फिर रात में पढ़ाई, तो इसके विवेक एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें आपको इंटेल का i5-12450HX प्रोसेसर देखने मिलता है जो आता है 8 कोर और 12 थ्रेड के साथ, 4P कोर और 4E कोर्स के साथ। NVIDIA का RTX 4050 आता है 4GB RAM वाला जो आता है 65W के TGB के साथ। तो इसे पूरा गेम टेस्ट में निचोड़ के देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकल के देखता है। 12GB की DDR5 RAM 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली और 512GB की SSD। इसके SSD का जनरेशन कहीं पर मेंशन नहीं है, अगर किसी पता हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगा। Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.2 के साथ आता है। और आगे इसके परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बाकी ये क्या क्या काम कर सकता है और कैसे कर सकता है आसान भाषा में समझा देते हैं। Cinebench R23 का स्कोर हमें मल्टी कोर का 10,450 मिलता है और सिंगल कोर का 1,670। Geekbench 6 का स्कोर हमें सिंगल कोर का 2,198 मिलता है और मल्टी कोर का 7,702। Geekbench 6 का ओपन सीएल का स्कोर जो हमारे GPU के लिए होता है परफॉर्मेंस मोड ऑफ करके, ये हमें 47,000 के आसपास स्कोर निकाल के देता है और परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद ये 50,000 के आसपास स्कोर निकालता है। 3DMark Time Spy का स्कोर 4,500 के आसपास और ये क्रॉसमार्क का स्कोर रहा बाकी कंपेरिजन के लिए। और PCMark 10 का स्कोर हमें 6,000 का मिलता है। इसके गेमिंग के बारे में हम गेम टेस्ट में देखेंगे और अगर आसान भाषा में
समझाऊं तो 1080p वीडियो एडिटिंग ये आराम से हैंडल कर देगा और 4K बिगिनर लेवल की एडिटिंग आराम से कर लेगा। यूट्यूब वीडियोस के लिए बीरोल्स वगैरह लगते हैं वैसी एडिटिंग ये 4K लेवल तक आराम से कर देगा। फोटोशॉप चलाना हो, इलस्ट्रेटर चलाना हो तो ये आराम से करवा के देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली वर्क करेगा। और अगर इसके ग्राफिक इंटेंसिव काम करने हो जैसे ब्लेंडर वगैरह हो गया तो ये बिगिनर लेवल के हैंडल कर लेगा। अगर आप हाई लेवल की 3D मॉडलिंग करोगे तो मेरे हिसाब से ये वहाँ पे लैग करेगा क्योंकि इसमें 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है। और स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह करनी है, बाकी के नॉर्मल ब्राउजिंग यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना है, कंटेंट कंजम्पशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है। अब आते हैं इसके गेम टेस्ट। और यहाँ पे सबसे पहला गेम हम खेल रहे हैं हम सबका चहेता वैलोरेंट और हमें यहाँ पे आराम से 250 के आसपास FPS देखने मिल रहे हैं और ये CPU बेस्ड गेम है और इस बजट में इसका CPU काफी बढ़िया है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। अब ये पहला गेम है और आप देख सकते हो CPU के टेम्परेचर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं गए, 69 और 70 के बीच में आ रहे हैं। CPU भी हमारा 40 वॉट तक का यूज हो रहा है और वैलोरेंट जैसे गेम में भी RAM 9GB तक यूज हो रही है तो आज की डेट में 16GB RAM तो लेना मस्ट है। अभी ये पहला गेम है और वैलोरेंट है इसीलिए इसके टेम्परेचर अभी कम है, आगे देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये टेम्परेचर्स में। और ये हमारा दूसरा गेम काउंटर स्ट्राइक, बढ़िया किल लेते हुए इधर बैठे कौशल भाई सॉरी। ये गेम हमें आराम से 120 से 130 के बीच में FPS निकाल के दे रहा है और इसमें भी टेम्परेचर कुछ ज्यादा नहीं गए, 70 तक के टेम्परेचर है। ये CS2 अभी ग्राफिक इंटेंसिव गेम है तो इसमें GPU की यूजेज अभी ज्यादा रहे और इसका GPU भी 95% तक यूज हो रहा है, मतलब फुल पोटेंशियल निकाल रहा है ये इसके GPU भी। और ये 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है तो 3GB की RAM ऑलरेडी इसमें यूज हो ही रही और अभी थोड़े टेम्परेचर हाई जाने लगे हैं, 85 डिग्री तक का टेम्परेचर दिखा रहा है। और ये आ गया हमारा तीसरा गेम मकड़ी मानव। फिलहाल ये गेम हम रे ट्रेसिंग ऑफ करके हाई सेटिंग्स पर खेल रहे हैं, हाई सेटिंग्स पर भी ये अच्छे खासे 62-65 FPS निकाल कर दे रहा है, ग्राफिक कार्ड के हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल रहा है। और हर गेम हमने एक एक घंटा खेलकर देखा तो उस हिसाब से इसके टेम्परेचर को जज कर रहा है। अब इसके GPU के यूजेस देख रहे हो 99%, मतलब पूरा GPU यूज कर रहा है और 3.5GB की RAM यूज कर रहा है। अब करते हैं इसका रे ट्रेसिंग ऑन हाई सेटिंग्स पर और अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकाल रहा है। 30-35 FPS ये आराम से निकाल कर दे रहा है, 100% का यूज हो रहा है और RAM आप देख सकते 11GB की यूज कर रहा है और इसमें 12GB RAM है टोटल। थोड़े बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, GPU पूरा 100% तक का यूटिलाइज हो रहा है। इसी ट्रेसिंग ऑन करने के बाद मीडियम सेटिंग पर आप इससे और थोड़े ज्यादा FPS निकाल ले सकते हो। थर्मल्स मुझे इस लैपटॉप के काफी बढ़िया लगे, ज्यादा हीट नहीं हुआ है लैपटॉप, मतलब नॉर्मल गेमिंग आप इस लैपटॉप पर अच्छी तरीके से कर सकते हो मीडियम से हाई सेटिंग। गेम टेस्ट देख लिया, अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स और बटन्स की। राइट साइड में हमें USB टाइप सी 3.2 Gen 2 का पोर्ट, एक हेडफोन जैक का कॉम्बो, एक वेबकैम शटर और एक USB टाइप ए 3.2 Gen 1 पोर्ट। और इसका टाइप सी पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है और 140 वॉट की पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। पीछे की तरफ हमें दो USB टाइप ए 3.2 Gen 1 पोर्ट, RJ45 LAN पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट और हमें आगे पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है। और इसके टाइप सी और HDMI पोर्ट से आप आउटपुट RCA 2050 से ले सकते हो, मतलब इसके DGPU। आगे बैटरी की बात करूँ तो 60 वॉट की बैटरी आपको इसमें देखने मिलती है। नॉर्मल ब्राउजिंग, लो ब्राइटनेस और बैकलाइट ऑफ पे अगर आप इसे क्वाइट मोड पे यूज करते हो तो ये आपको 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप निकाल के देगी और गेमिंग लैपटॉप से ज्यादा बैटरी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते तो चल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। क्या आपको ये 2050 वाला लेना चाहिए या फिर RTX 2050 वाला, कौन सा आपके लिए सही और वर्थ रहेगा। और बाकी बहुत सारे लैपटॉप इसके आने वाले हैं जिसका हम कंपैरिजन करेंगे। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 60,000 तक ही है, मतलब आप उसके ऊपर बढ़ा भी नहीं सकते तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। और 60,000 के अंदर 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिलना काफी बड़ी बात है। इसका 3050 वाला वेरियंट फिलहाल 67,000 के आसपास चल रहा है तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट पुश हो सकता है 67,000 तक तो वो काफी बढ़िया रहेगा और मैं आपको वही वाला रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें जो 3050 आता है वो 6GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है और ये 2050 4GB VRAM वाला और उसमें आपको 16GB की RAM आती है और इसमें आपको 12GB। अगर आपको RTX 4060 अंडर 90,000 परचेस करना है, जो लोगों ने 75,000 तक भी परचेस किया है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देखो।